हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ABCD के पोजीशंस के बारे में, कि ABCD किस पोजीशन पे, अर्थात उसका नंबर कितना नंबर पे है, और उसका अपोजिट हमने पढ़ा था कि A का Z, B का Y, काफ़ी आसानी से हम लोगों ने उसको समझा था और नंबर भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ओके, तो अब जैसा कि आप लोग को हम पोजीशन याद हो गया लेटर का, उसके बाद आपने उसका अपोजिट याद कर लिया कि A का Z, B का Y, तो अब हम इस पे जो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कुत्ते और बिल्ली से ही काम शुरू करें। पहला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए बहुत बेसिक से हम चलेंगे, इफ़ कैट बराबर DBU, शॉर्ट में लिखा हूँ, इफ़ कैट बराबर DBU, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा, यदि किसी कोड वर्ड में कैट को DBU लिखा जाता है तो उसी कोड में डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इफ़ कैट इज रिटन एज DBU देन व्हाट इज़ द कोड ऑफ डॉग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सी के बाद का अगला लेटर डी है, ए के बाद का अगला लेटर बी है, टी का अगला लेटर यू है। तो उसी तरह से आंसर हम लोग कर देंगे, डी का अगला ई, ओ का पी और जी का एच, मतलब यहाँ से यहाँ +1 होते चला गया, सी से +1 डी, ए से +1 बी और टी से +1 यू। इसी तरह से +2 +3 भी हो सकता है डिफरेंस, या फिर -1 -2 भी होगा। हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन हम देखें, इफ कैट बराबर, या कह सकते हैं इफ कैट इज रिटन एज HFY देन डॉग बराबर, या डॉग कैसे लिखा जाएगा, तो C का नंबर हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ऐसा अगर पढ़ेंगे, C के बाद DEFGH 5 आगे है, फिर A से 5 आगे F, T से 5 आगे Y, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, उतना पढ़ते नहीं है, सीधे सीधे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका नंबर जो पोजीशन है, C का पोजीशन 3 है, A का पोजीशन 1 है, T 20 याद किए हैं, H 88 याद किए हैं, F 6 फिक्स याद किए थे, और Y 25 था EOT से, या Y जो तो 25-26 है ही। तो देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ +5, यहाँ से यहाँ +5, यहाँ से यहाँ +5। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इनका नंबर दे देंगे, D का नंबर 4, O का 15, G का 7, अब +5 करेंगे तो इसमें +5 अगर करेंगे तो 9 नंबर वाला लेटर होगा, इसमें +5 करेंगे तो 20 वाला लेटर होगा, और इसमें +5 करेंगे तो 12 नंबर वाला लेटर होगा। तो 9 नंबर पे क्या आता है, आप याद किए हैं I 9, 20 T 20 मैच से याद किए हैं, और 12 L कितने नंबर पे है, 12 याद किए थे, L 12, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, IT L। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इफ कैट बराबर XZG देन डॉग बराबर व्हाट। अब देखिए यहाँ पे नंबर अगर हम देंगे तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, तो हम लोग को पता चल जाता है कि C के बाद X तो बहुत आगे है, A के बाद Z बहुत आगे है, T के बाद G, तो इसमें कुछ अलग तरह का हमको सोचना होगा। क्या सोचना है, C का अपोजिट X याद किए हम लोग 6, A का Z आज याद किए और TG GT रोड याद किए थे, उसी तरह से क्या हो जाएगा, D का अपोजिट W दही बड़ा याद किए हैं, O का अपोजिट L, O का लव से याद किए थे LO, और G का GT रोड। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, WLT। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप बीच बीच में नहीं होगा तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको वो देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ कैट बराबर SZB, फिर से एक बार आपको बता दें
कि ये जो हम लोग लिखे हैं ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यदि किसी कोड में कैट को एस जेड बी बोला जाता है, लिखा जाता है, देन डॉग को क्या लिखा जाएगा। अभी हम लोग कुत्ते बिल्ली पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें क्या करेंगे हम लोग। एक्स जेड जी है तो डॉग को हम लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ए का अपोजिट यहाँ लिखा है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको, यहाँ पे क्या है ए का अपोजिट, इसको इस तरह से आप लिख लेंगे कॉपी में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सी का ए और एस जेड बी हमेशा इस तरह से लिख लेंगे आगे ऊपर नीचे, तो आपको आसान लगेगा। कैसे आसान हो गया, तो कि सी से माइनस वन करेंगे तो बी सी ए टी सॉरी, और टी से माइनस वन करेंगे तो एस, और ए का अपोजिट जेड। इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत पूछा जाता है, सी से क्या किए माइनस वन, टी से क्या किए माइनस वन, और ए का बीच वाले का क्या किए अपोजिट। तो डॉग में क्या करेंगे, इससे माइनस वन करेंगे तो डी से माइनस वन क्या हो जाएगा सी, जी से माइनस वन क्या होगा एफ, और ओ का अपोजिट एल, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा एफ एल सी। ठीक है, तो हम एक तरह से आपको टाइप बता रहे हैं, और जितना टाइप का क्वेश्चन बता देंगे इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप इसको और ज़्यादा करना चाहेंगे आप अपने बुक्स में बना के देखेंगे, रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाइए, एग्जाम का क्वेश्चन जो आता है या प्रैक्टिस सेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन इसी टाइप में आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ कैट बराबर 24 देन डॉग बराबर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे नंबर आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर है तो शायद कुछ नंबर का चक्कर होगा, तो देखेंगे सी का नंबर 3, ए का नंबर 1 और टी का नंबर 20। अब इनको ऐड कर दीजिए तो 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 20 4 प्लस 20 24। तो डॉग का नंबर कितना था 4, ओ का नंबर ओ 15 ईजोटी से याद किए हैं और जी 7 कंट्रीज याद किए थे, अब इनको ऐड कर देंगे तो 15 7 22 4 26 26। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इफ कैट बराबर लिख देगा अगर 6 देन डॉग बराबर, तो अब हम इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे तो 24 आ रहा था, या थोड़ा सा देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग 24 इसका कर लिए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इनको जोड़ दिया गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर एक डिजिट में आ जाएगा या टू डिजिट में आ जाएगा तो आप ध्यान देंगे कि इनके नंबर्स को पहले आप लिखेंगे, तो इजीलिए हम बोले थे कि इजोटी से अगर आप करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसी से बचने के लिए हम लोग को नंबर बिल्कुल नंबर लेटर का पोजिशन बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया से मगअप कर लीजिए। इसका तरीका हम आपको बता चुके हैं पहले। तो अब देखिए सी का 3, ए का 1 और टी का 20 अगर करते हैं तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा 24। अब इन दोनों लेटर को आपस में ऐड कर दिए, 2 प्लस 4 क्या आ गया 6। तो अब इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15 और जी का नंबर, जी 7 कंट्रीज से याद किए थे और ओ इजोटी से हम लोग याद किए थे, अब इनको ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आया 15 7 22 4 26 26। अब इस 26 को हम लोग ऐड करेंगे, आपस में इन दोनों लेटर को ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, तो कितना आ जाएगा 8। तो डॉग का क्या आ जाएगा 8। तो कैट डॉग इस तरह से कैट डॉग का क्वेश्चन अब हम लोग बहुत कर लिए, और इनको एक दो बार आप देखेंगे खुद से कॉपी पे लिखेंगे स्क्रीनशॉट लेके तो आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी बढ़िया से, और इससे बाहर जाके कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अब आइए हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चंस को भी करते हैं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते इफ सिस्टम बराबर सिस्मेट एंड नियरर बराबर ANRER देन फ्रैक्शन बराबर व्हाट।
देन फ्रैक्शन बराबर वाट। कोशिश कीजिए, कैमरा को रोकिए और बनाइए इसको। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आप देख रहे हो कि SYS यहाँ पे भी है। अब ये TEM उल्टा हो गया, मतलब MET हो गया, तो आपको लगेगा कि ओ अच्छा शुरू वाला सही रहे, उसी तरह से रह जाएगा और पीछे वाला उल्टा हो जाएगा। दो पार्ट में अगर इसको बांट दे तो ये दो पार्ट में बांटने वाला बहुत होगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब नियरर में लेकिन उल्टा हो गया, फर्स्ट पार्ट ही NEA चेंज होके क्या हो गया AEN और सेकेंड पार्ट रह गया। तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को चेंज करेंगे या सेकेंड पार्ट को चेंज करेंगे? अगर ये तो 6 लेटर का था तो 3-3 में डिवाइड किए थे, ये 8 लेटर का है तो हम दो पार्ट में 4-4 के पार्ट में डिवाइड किए। अब इधर वाला बदलेंगे कि इधर वाला बदलेंगे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक बार फिर से देखिए कि इसी क्वेश्चन में हम SYS जो लिखें ये उल्टा करके भी लिखेंगे अगर, तो SYS ही रहेगा, मतलब इधर भी चेंज हुआ है और इधर भी चेंज हुआ है, और नियरर में AEN लिखा हुआ है उल्टा करके इस साइड से, और RER को भी चेंज करेंगे तो RER ही रह जाएगा। तो फ्रैक्शन को करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग इस तरफ से लिखेंगे और इसको भी इस तरफ से लिखेंगे, मतलब CARFNOIT। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, दो पार्ट में बदले और दोनों पार्ट को चेंज किए हैं, उसमें चेंज किए हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा था। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से रह सकते हैं, इफ डाउन बराबर 5@9 हैश सिंबल दिया हुआ है, और एक और साथ में दे देगा एंड नेम बराबर हैश 6% 3 देन पूछ रहा है, तब बताइए कि मोड बराबर क्या होगा। तो मोड का क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे इसमें कोई कॉमन आ रहा है, एन यहाँ है एन यहाँ है, एन का क्या सिंबल था हैश, और यहाँ पे भी एन का हैश है, इसका मतलब क्या है कि जो लेटर का सिंबल जो है उसी सिंबल को सीधे सीधे उतार दिया गया है। तो हम लोग उसी तरह से कर लेंगे जैसे हम लोग का मोड है, तो एम के लिए परसेंट हो जाएगा, ओ के लिए एट हो जाएगा, डी कहाँ है डी के लिए 5 है, और ई के लिए 3 है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा केवल ध्यान देके आप देखेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके छूटने आपका नहीं छूटने जा रहा है। और ये चैप्टर बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर है, और इससे तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जब SSC वगैरह में 100 क्वेश्चन रहते थे रीजनिंग वगैरह के, तो उसमें तो 20-25 क्वेश्चन इसी से होते थे। प्रॉब्लम ज़्यादा होता था कि बच्चों को याद नहीं होता था बढ़िया से पोजीशन, तो उसमें वो टाइम लगाते थे। अब तो अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे कंटेस्ट जो मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ कंकर CONQUER कंकर बराबर MNBR इफ कंकर बराबर दिया हुआ है MNBRQDT और स्टीमर बराबर आपको बोले कि क्या होगा, मतलब अगर क्वेश्चन रह गए इफ कंकर इज रिटन एज, या यदि कॉन्कर को किसी कोड में MNBRQDT लिखा जाता है तो स्टीमर को कैसे लिखेंगे। हमको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखने सामने सामने लिखा रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करेंगे अपने साइड में इसको जब बनाएंगे तो कॉपी में लिख लेंगे कॉन्कर और उसके नीचे लिखेंगे MNBRQDT। अब थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्या किया हुआ है यहाँ पे देखिए आप, अब ये 7 लेटर का दो पार्ट में बटेगा नहीं, सी से एम का कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, ओ से एन का समझ में आता है लेकिन कोई उस तरह से बन नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि दिमाग थोड़ा लगाएंगे क्वेश्चन बनाते हुए, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेगा बेहतर ढंग से। एन से -1 हुआ
और सी से भी एक माइनस वन हुआ और ओ से भी माइनस वन हुआ। मतलब इसको दो पार्ट में बांटे इस तरह से कि बीच वाला इससे यहाँ पे रह गया और तीन इधर रह गया, तीन इधर रह गया। तो n से माइनस वन एम, सी से माइनस वन बी और ओ से माइनस वन एन। अब यहाँ पे u से माइनस वन टी, r से माइनस वन क्यू और e से माइनस वन डी हुआ। सामने सामने लिखने से हम लोगों को समझ में आता है। और q से क्या हुआ, माइनस वन नहीं हुआ, प्लस वन हो गया क्यू आर। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम दो पार्ट में इस तरह से बांट लेंगे। अब e से माइनस वन डी, एस से माइनस वन आर और टी से माइनस वन एस हो जाएगा। एम से माइनस वन करेंगे तो एल, आर से माइनस वन क्यू और ई से माइनस वन करेंगे तो डी होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस वन नहीं करना है, प्लस वन करना है। ए से क्या हो जाएगा हम लोग का डी। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, डी एस आर, सॉरी डी एस आर बी क्यू डी एल। तो ये एक तरह से मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि दो पार्ट में पहले बदल में बांटने वाला था, अब दो पार्ट में बांटे लेकिन एक बीच वाला रह गया था। अब एक और क्वेश्चन करें अगर इसी तरह का, तो क्राउंड, इफ क्राउंड बराबर पी एस डी भी ई एफ सी देन स्ट्रीम्स बराबर व्हाट, स्ट्रीम्स बराबर, अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, क्राउंड को पहले ऊपर में लिख लेते हैं कॉपी में सी आर ओ डब्ल्यू एन ई डी, उसके नीचे लिख लेते हैं पी एस डी वी ई एफ सी। अब इसको देखें तो उसी तरह से है, ओ यहाँ पे प्लस वन हो रहा है, ओ प्लस वन, ओ के बाद पी, सी से प्लस वन डी और आर के बाद प्लस वन एस। यहाँ फिर हम देखेंगे कि एन एफ सी एन ओ है यहाँ पे, तो एन से प्लस वन ओ, टी से प्लस वन ई और ई से प्लस वन एफ। लेकिन बीच वाले का क्या हुआ, बीच वाला माइनस वन है। इसमें इस क्वेश्चन में सब माइनस वन हो रहा था और बीच वाला प्लस हो रहा था, इस क्वेश्चन में सब प्लस वन हो रहा है और बीच वाला माइनस वन हो रहा है। तो स्ट्रीम्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस वन प्लस वन, इसका प्लस वन प्लस वन प्लस वन और ये बीच वाले का माइनस वन। तो एस से टी, आर से एस, टी से यू, ए से बी, एस से टी और एम से एन और ई से माइनस वन करेंगे तो डी। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। पोजीशन अगर आपको बढ़िया से याद है, लेटर का उल्टा बढ़िया से याद है, तो आप फटाफट करते चले जाएंगे। और अगर चार पांच क्वेश्चन है तो मुश्किल से डेढ़ दो मिनट के अंदर में आपका पाँच नंबर पूरा आपका अपना हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर बढ़िया सा समझ में आ गया होगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर भी है। तो इस तरह से आप वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहे, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आप भी सीखें और आपके साथ साथ आपके दोस्त वगैरह भी सीखते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।